नमस्कार दोस्तों, ये है सेंटर पे जहाँ पे अभी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम खत्म हो गई है। और ये बच्चे देखिए अपने अपने बैग लेने के लिए काफी तेज रहा है। और हम जो दोस्तों से बात करके देखेंगे क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं और पेपर का लेवल क्या रहा है। तो अभी हम कुछ भाइयों से बात करते हैं, हालांकि लोग बैग लेने लिए काफी जल्दी में, तभी कोई रुकेगा नहीं, चल के वहीं बात करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी लोग देखेंगे बैग लेने लिए काफी जद्दोजहद है, काफी लाइन लग रही है। तो हमें कुछ दोस्तों से बात करके देखेंगे कि पेपर के लेवल जल्दी लोगों में है, काफी शाम भी हो गया है। सर जी एक मिनट बताएं, एग्जाम कैसा रहा? बढ़िया सर। पेपर का लेवल किस तरह है? मतलब पेपर सर बहुत बढ़िया था, उसमें बहुत डिफिकल्टी लेवल तो जो एक एस आई लेवल पे आप जा रहे हो तो उस लेवल का एग्जाम तो जरूरी है। तो हिंदी में जो पेपर था, हिंदी में लोग क्या साइंस ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हो, ऐसे कुछ जैसे इमेज इमेज हो गया इससे बढ़िया क्वेश्चन आ रहा था, जिसके बाद थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग से उसको क्या बोलते हैं सर, हिंदी में आता है जैसे गद्यांश हो गया, उससे रिलेटेड आ गया। रीजनिंग भी जैसे कथन हो गया, निष्कर्ष स्टेटमेंट, अच्छे लेवल क्वेश्चन था। यह नहीं कि अगर कोई बोले कि भाई अगर आप अच्छे, अच्छा ये जीएस में जो आपने जो फिजिक्स फ्लो कह रहे हैं, फिजिक्स से पेपर का क्वेश्चन किस तरह आ रहा है बताइए, फिजिक्स में जीएस का साथ किस तरह आ रहा है? फिजिक्स का सही है, मतलब वो है और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान से बस एक सवाल थे, एक से एक थे, और फिर एक दक्षिण भारत से पूछा था बिजली का। मतलब साइंस से क्या है, साइंस से न्यूमेरिकल काफी आ रहे हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा कुछ आ रहा है? नहीं न्यूमेरिकल नहीं। पेपर का लेवल कैसा था, मतलब कैसा? पेपर तो हिंदी रीजनिंग मैथ मस्त है, मस्त बस जो है साइंस है तो मैथ के पोर्शन में साइंस डल है। अच्छा मतलब साइंस जीके ओके के सवाल सारे मिले 49 होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपके हिसाब से 400 में से कटऑफ कितनी होनी चाहिए, कितना जा सकता है? 300 के करीब, 280-300 के करीब आप जा सकते हैं अगर साइंस जो बेटर करा तो फिर वो 300। साइंस फीस क्वेश्चन परेशान करने लगे कि लोग काफी कह रहे हैं न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और थ्री क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब अच्छा करंट पूछ रहा है 2019 और 20 का, करंट क्वेश्चन भी आ रहा है 19 का था और 21-22 से। और आपकी एग्जाम सेट में आपका कैसा पेपर हुआ आपका? बस थोड़े वो फिजिक्स वाले वही है। लगभग मेरे मैं हूँ पे भी जब टेस्ट दे रहे थे तो उसमें जीएस गलत हो रहे थे, बाकी रीजनिंग मैथ सब रीजनिंग मैथ काफी अच्छा है, बाकी वो साइंस जीएस मैथ में ज्यादा कोई कैलकुलेटिव नहीं है। एसएससी का जो मैथ सॉल्व कर रहे हैं उससे कम ही लोग वन लाइनर है, मतलब कि एक दो लाइन में निकल जाएंगे आपके सीआईएसआई। आपका बहुत धन्यवाद।